एनजीटी के आदेश पर इन दिनों कान्ह व सरस्वती नदी की सफाई का अभियान चल रहा है, लेकिन 20 किलोमीटर के इस भाग में जिन संसाधनों का उपयोग होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। बिजलपुर तालाब से शुरू होने वाली सरस्वती नदी के 2 किलोमीटर के हिस्से को सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी जन सहयोग से साफ करवा रहे हैं। नदी सफाई का काम काफी कुछ हो चुका है। दो किलोमीटर का ये भाग पूरी तरह साफ हो चुका है। नदी की तलहटी में पानी की झीरन भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस नदी में यहाँ की एक फैक्ट्री का गंदा पानी मिलने पर पूरी नदी प्रदूषित हो रही है। इस बात की शिकायत प्रदूषण विभाग में भी की गई, नगर निगम में भी की गई, लेकिन प्रभावशाली फैक्ट्री मालिक का अब तक कुछ नहीं बिगड़ा है। जन सहयोग से 2 किलोमीटर हिस्से का नदी सफाई कार्य करवा रहे सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने कहा कि उन्होंने नगर निगम से 20 पोकलेन मशीन मांगी थी ताकि वे 20 दिनों के अंदर 20 किलोमीटर का एरिया साफ करवा सके, लेकिन नगर निगम ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने बताया कि जन सहयोग से 2 पोकलेन मशीन के माध्यम से उन्होंने 2 किलोमीटर का एरिया साफ करवा दिया है। आखिरी मीटिंग जो 14 मई को हुई थी उसमें कलेक्टर महोदय से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि साधन बिखेरने से काम नहीं होगा। 20 पोकलेन मांगी थी और 14 से 19 किलोमीटर का स्ट्रेच था, मुझे केवल 3 पोकलेन मिली। उसका भी पैसा जन भागीदारी से, लोगों से चंदा लेके काम किया और ये 22 दिन में नदी 2 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरा साफ कर दिया है। और इस पर जो साधन लगे उस मान से ये बराबर 20-21 दिन में हम पूरी नदी 14-15 किलोमीटर साफ कर लेते। लेकिन क्या हुआ है ये अब आपको अध्ययन करना चाहिए कि नगर निगम ने कितना साफ किया, कैसा साफ किया। आईडीए ने 0 काम किया। दूसरा, नगर निगम ने जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की कोशिश की है और आउटफॉल जितने भी इसमें एफडी शपथ पत्र लिख के दिया था एनजीटी में कि 100-150 के बीच में इस नदी में आउटफॉल है। मैं जहाँ आपसे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ यहाँ 7 आउटफॉल है, मेरे इस हाथ पर एक, ये सामने एक और 2 इधर 3 इधर है। अब इतने से टुकड़े में जो 7 आउटफॉल है, अब ट्रीटमेंट प्लांट जो बनाएंगे उसको कैसे यहाँ से ऊपर ले जाएंगे? पानी ऊपर नहीं जाता कभी भी सीवरेज का। जल सप्लाई का जरूर थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन सीवरेज हमेशा डाउन स्ट्रीम की तरफ चलता है। 2 हर्डल मैंने पहले दिन से लिख के दिए कि जिस पुल पर खड़ा हूँ यहाँ पीछे आप देखेंगे तो 1-1.5 मीटर पानी भरा हुआ है और ये सड़ांध वाला पानी है। ऐसा ही एक बिजलपुर रपट पे भी है। ये दोनों रपट यदि 1-1 मीटर हल्की सी नीचे करते हम बोगदों में से तो ये पानी कलकल बहता हुआ निकल जाएगा, सड़ांध बंद हो जाएगी, पानी शुद्ध बहेगा। जो इसमें फैक्ट्रियों का माल आ रहा है उस पर आज तक 9 महीने हो गए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस देने के बाद भी न नगर निगम ताले लगा रही, न विद्युत विभाग उसको बिजली कनेक्शन काट रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार नदी के किनारों से 60 मीटर तक कोई भी निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन पूरी कान्ह व सरस्वती नदी के दोनों किनारे अतिक्रमण से भरे हुए हैं।